राज्य युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष कुणाल राउत ने अभिनेत्री कंगना रनौत की स्वतंत्रता संग्राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कंगना के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार शाम मालाबार हिल थाने में जाकर कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने मांग की कि शिकायत के आधार पर रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए। रनौत लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने टाइम्स नाउ पर एक बहुत ही आक्रामक और राष्ट्र विरोधी बयान दिया कि देश को 1947 में आजादी मिली और असली आजादी 2014 में थी। आतंकवादियों ने नाथूराम गोडसे को ऊपर उठाने और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करने की कोशिश की है। भारत जहां इस समय आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है, वहीं कंगना रनौत का बयान हजारों शहीदों, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों का अपमान है। स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा गया था। मैं खुद एक स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूं। उन्होंने कहा, प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में मैंने आज कंगना रनौत के बयान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जैसे देशद्रोह, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान, दो गुटों के बीच झगड़ों को भड़काकर हिंसा भड़काना, शांति सौहार्द भंग करना, देश में अशांति पैदा करना, कानून व्यवस्था भंग करना, महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करना। प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से राउत से मांग की गई, उचित धारा के तहत अपराध दर्ज कर कंगना रनौत को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आज 10 नवम्बर रोजी टाइम्स नाउ है चैनल पर कंगना रनौत ने ज्या प्रकार आमचे स्वतंत्र सैनिक अजून हा देशाची स्वतंत्राच्या वरती व्यक्तव्य केलं की 1947 ह्या रोजी आम्हाला भीक मागून स्वतंत्र भेटली, अजून खरी स्वतंत्र आम्हाला 2014 भेटली असा व्यक्तव्य करून आज मी इथे मलबार हिल पोलीस स्टेशन मने तिच्यावरती अटक करायची अशी मागणीसाठी आलो आहोत। मी एक स्वतंत्र सैनिकचा नातू म्हणून, अजून महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचा उपाध्यक्ष म्हणून एक हक्काने मी आज इथे पोलीस स्टेशन मध्ये येऊन। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।